अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक बेसिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। अच्छा भैया बच्चों, एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एन एटम। जैसे सोडियम का एटम है, सोडियम का एटम आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप आइडेंटिफाई करोगे कि उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन है 11। अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो आप क्या कहोगे कि वो क्या है? वो है सोडियम एटम। अच्छा, इसी तरह हाइड्रोजन में आपको प्रोटॉन 1 मिलेंगे तो आप उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लोगे। अच्छा, मॉलिक्यूल क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड व्हाट इज मॉलिक्यूल। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, जैसे मेरे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे सैंड है SiO2। मेरे बच्चों ये क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस। अच्छा मेरे बच्चों, एटम को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंपल से। जैसे सोडियम को रिप्रेजेंट करेंगे Na से, सल्फर को S से, सिलिकॉन को Si से, पोटाशियम को K से। अच्छा मेरे बच्चों, मॉलिक्यूल में इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे मेरे बच्चों आप कार्बन मोनोऑक्साइड को CO, सैंड को SiO2, मीथेन को आप रिप्रेजेंट करोगे CH4 से, इथीन को रिप्रेजेंट करोगे C2H4 से, हेक्सेन को C6H14 से। अच्छा पहले बच्चों, अब एटम क्या करता है? इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो करता है, और मॉलिक्यूल बेटा शो करता है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। अच्छा भाई बच्चों, एटम क्या करता है? एटम रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी इन केमिकल रिएक्शन, जबकि मॉलिक्यूल क्या करता है? डज नॉट रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन ए केमिकल रिएक्शन। अच्छा एटम भाई बच्चों, इट कैन नॉट बी फर्दर सबवर्टेड बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन, जबकि भाई बच्चों मॉलिक्यूल इट कैन बी फर्दर सबडिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। हम इसको ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन से सबडिवाइड कर सकते हैं। सब बच्चों, अमोनिया प्यारे बच्चों, अगर आपने सूटेबल कंडीशंस यूज की तो आप इसको सबडिवाइड कर सकते हो इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अच्छा प्यारे बच्चों, लास्ट पॉइंट है एटम। इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। प्यारे बच्चों, आपको पता है जैसे नॉबल गैसेज हैं, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती हैं क्योंकि स्टेबल होती हैं, जबकि हाइड्रोजन आपको पता है डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एक हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इस तरह सोडियम, पोटाशियम, ये प्यारे बच्चों रिएक्टिव एटम्स हैं, रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन यही होती है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। जैसे प्यारे बच्चों अमोनिया फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है, जैसे सैंड फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है, जैसे मीथेन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।